कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं बीजेपी वाले। मुझे समझ में ही नहीं आता बीजेपी वाले गालियां क्यों देते। अरे भाई, आपको मालूम होता आजादी की कीमत क्या है, अगर आपके घर में कोई आजादी के लिए लड़कर मरता तब तुमको मालूम होता था आजादी की कीमत क्या। अगर आपके घर में घर के लोग अगर जेल जाते, जेल में अगर आटा पीसते, पीने को अगर पानी भी नहीं मिलता तो फेंक देते थे मुंह पे, ऐसी वातावरण में अगर आपके लोग, आपके पुरखे आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अगर जाते थे तो उनको मालूम होता था आजादी की कीमत कैसी होती है। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग जेल में हम गए, फिर आज हमको ही गालियां दे रहे। ये इसलिए मैं बोलता हूं, खासकर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, चाहे वो किसी जाति के हो, इनको सच्ची आजादी मिली तो वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों ने लिखकर देश को एक बनाया और देश आज एक होकर तरक्की किया। कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत से चीजें इस देश में लाई, फिर भी हमको ये पूछते हैं कौन, मोदी जी क्या पूछते हैं। अरे भाइयों और बहनों, 70 साल में तुमने क्या किया। अरे भाई, हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो तुम प्रधानमंत्री होके नहीं बैठते थे। तुमको प्रधानमंत्री और शाह को होम मिनिस्टर जो बने, इस देश के आजादी को लाकर और इस देश में संविधान को रक्षा करके लोकतंत्र को बचाए, इसलिए आप वो कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन आप वो लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके आप अपना ही संविधान लाना चाहते हैं।